हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी व्हिपिंग क्रीम के बारे में कि इसे कैसे बना सकते हैं और किस तरीके से आप इसको खरीद सकते हैं ताकि इजीली आप अपने केक के लिए घर में ही फ्रॉस्टिंग बहुत ही इजीली तैयार कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने व्हिपिंग क्रीम पाउडर लिया है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल जानकारी दे दूँ कि मैं यहाँ पर बेकर्स विप का व्हिपिंग क्रीम पाउडर यूज़ करती हूँ अपनी केक की फ्रॉस्टिंग के लिए। और ये जो पैक है, ये 1/2 kg का पैक है और ये 325 रुपीज़ का है। और आप इसे 20 मंथ्स के लिए रख सकते हैं, यानी 20 मंथ्स इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग, आप देख सकते हो बेस्ट बिफोर 20 मंथ्स, तो इसको इतने तक यूज़ कर सकते हैं। और मैं जो है इसे बनाना प्रेफर करती हूँ दूध के साथ में। आप चाहो तो इसे पानी के साथ भी बना सकते हो। दूध के साथ इसका जो टेस्ट है क्रीम का, बहुत ही बढ़िया आता है। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि इसे किस तरीके से बनाना है। और एक चीज़ मैं भूल गई बताना कि आप अगर इसे अगर आपको ये बेकरी वाली शॉप पर नहीं मिलता है तो बहुत ही इजीली आप इसे अमेज़ॉन से परचेज कर सकते हैं। मैंने इसे अमेज़ॉन से ही परचेज किया था। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1/2 कप के करीब व्हिपिंग क्रीम पाउडर ले लिया है। पूरा 1/2 कप नहीं है, थोड़ा सा कम है, तो ये डाल देते हैं। और यहाँ पर मैंने ठंडा दूध लिया है। 1/2 कप लेंगे, जितना हमने पाउडर लिया था उतना ही दूध लेंगे इसमें। और थोड़ा थोड़ा इसमें हम दूध ऐड करेंगे, एक साथ ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। अगर आप पानी भी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी बिल्कुल ठंडा पानी होना चाहिए। इसको डाल देंगे थोड़ा सा और इसे मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे आप, ये जो विस्क आता है, इससे भी आप इसे बना सकते हैं। पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो मैं उससे बनाऊंगी, आप चाहो तो इससे भी बना सकते हो। और ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, सिर्फ 5 मिनट में क्रीम जो है वो रेडी हो जाती है। और जो ये दूध हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो बॉइल्ड करके ठंडा किया हुआ दूध है। तो थोड़ा थोड़ा इसमें दूध ऐड करके इसको हम मिक्स कर लेंगे एक बार। और इस तरीके से आपको लगातार फेंटना है। तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर से अभी इसको बीट करूँगी, आप चाहो तो इससे भी कर सकते हैं। तो मैं इसे इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करने वाली हूँ। पहले इसे हम स्टार्ट करेंगे तो लो, इसका जो स्पीड है वो लो रखेंगे। और यहाँ पर हमें इसमें शुगर वगैरह कुछ भी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाउडर्ड क्रीम में ऑलरेडी शुगर, बाकी सारी चीज़ें एडेड हैं। सिर्फ इसमें पानी या दूध ही हमें लेना है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अभी आप देख सकते हैं क्रीम थोड़ी सी थिक होने स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा दूध इसमें और ऐड करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद में मैं इसको हाई स्पीड पर 2 से 3 मिनट और बीट कर लूँगी। इसे थोड़ा सा बीट करने के बाद में जो इसके किनारे हैं इसको हम एक बार इस तरीके से बीच में ला लेंगे ताकि अच्छे से सारी चीज़ें आपस में मिल जाए। और बचा हुआ जो दूध था मैंने इसमें डाल दिया है। और वापस से इसको हम बीट कर लेंगे जब तक इसको जो इसके जो स्टिफ पीक्स हैं वो आ नहीं जाते। ये देखिए क्रीम हमारी अच्छे से व्हिप हो चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी पीक्स, देखिए स्टिफ पीक्स है बिल्कुल। और एक और तरीका है इसे देखने का, आप अपने बाउल को उल्टा भी करेंगे तो ये जो क्रीम है वो गिरेगी नहीं बिल्कुल भी। ये देखिए बिल्कुल भी क्रीम गिर नहीं रही है। तो ये क्रीम हमारे बिल्कुल रेडी है फ्रॉस्टिंग के लिए। और जब भी आपको केक के ऊपर अप्लाई करना है, इसे पहले आप फ्रिज में रख दीजिए
और जब भी आपको अप्लाई करना हो इसे आप निकालें और अपने केक की फ्रॉस्टिंग के लिए यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आई हो और तरीका पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।